स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों हम देख रहे हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और हम कवर कर रहे हैं आरओएआरओ और 2024 में होने वाला यूपीपीएससी को उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स में। कल हमने बजट पढ़ा था और बजट आपको बहुत पसंद भी आया, ये जान के खुशी मुझे भी हुई कि मेहनत आप तक सही से पहुंच रही है। दोस्तों उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि यानी एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश, और इससे आरओएआरओ में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, चाहे तो फसल की प्रजाति हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे उत्पादकता हो, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपका जीवन आसान करने के लिए इसमें जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण है उत्तर प्रदेश का 2022-23 उसको भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको डाटा एक जगह इकट्ठा मिल जाए, और मेरा प्रयास है कि एक वीडियो संपूर्ण वीडियो आपको मैं प्रस्तुत करूं ताकि आप इसको देख के जीवन को आसान बना सकें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो परेशान मत होइएगा, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यही आपको जो है अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास यूपीपीएससी आरओएआरओ 2024 स्पेशल उत्तर प्रदेश में कृषि की पूरी जानकारी मेरे लाल लालियो। और अगर उत्तर प्रदेश में हम कृषि की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में कृषि में का एक बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, और हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें जनगणना 2011 की, सेंसस 2011 के आंकड़ों की, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के जितने कुल कर्मकार हैं यानी जितने कुल रोजगार में जुड़े लोग हैं, उन रोजगार के कुल लोगों में से अगर देखा जाए तो 59.3% लोग जो हैं वो कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं। कितने लोग हैं? 59.3% लोग जो है कृषि क्षेत्र से संबद्ध हैं। इन 59.3% लोगों को मेरे प्यारे बच्चों अगर हम ब्रेक करके देखें तो इसमें दो किस्म के लोग हैं, जो एक तो दूसरे की खेती पे मजदूरी का कार्य करते हैं यानी मजदूर हैं, और दूसरे स्वयं कृषक हैं। और इनका अगर हम प्रतिशत देखना चाहें तो जो मजदूर है मेरे प्यारे बच्चों, ये मजदूर कितने हैं, तो मजदूर ध्यान रखिएगा मजदूर है 30.3%। कितने? 30.3% मजदूर हैं और बाकी बचा आपका 20%, तो ये 20% आपके कृषक हैं। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और उनमें भी मजदूर जो कृषक मजदूर हैं जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं वो 30% हैं, और 20% खुद के लोग कृषक हैं जिनकी खुद की जमीन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अगर इकोसिस्टम की बात करें, इको रीजन की बात करें, तो चार पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, यानी उत्तर प्रदेश को आप चार पारिस्थितिक क्षेत्र पे या चार इकोसिस्टम जोन में बांट सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। किसमें? चार इकोसिस्टमेटिक जोन में, ठीक हो। तो इकोसिस्टम की चार जोन है उत्तर प्रदेश में, और वो चार जोन कौन सी है तो ये ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो एक है तराई, ठीक है, पहला हो गया तराई, दूसरा है गंगा के मैदान, तीसरा है भाभर, और चौथा है विंध्य के क्षेत्र, ठीक है। तो चार इकोसिस्टम जोन है उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक तराई, दूसरा गंगा के मैदान, तीसरा भाभर और चौथा विंध्य के क्षेत्र, ये चार पारिस्थितिक क्षेत्रों में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों मृदा की बात करें, है ना, सॉइल की बात करें, तो छह स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह है। स्पष्ट इसलिए क्योंकि जो विभाजन है सॉइल का वो पूरी तरह दिखाई देता है, और विशिष्ट इसलिए क्योंकि भांति भांति की मृदाएं उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। तो कितनी है? छह टाइप की सॉइल उत्तर प्रदेश में है, जिसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे नंबर वन पे भावर मिट्टी दिखाई देती है, फिर आपको तराई दिखाई देती है, विंध्य क्षेत्र में भी मिट्टी अलग है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र है, और जलोढ़ मृदा भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो भावर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़। किस क्षेत्र में मृदा के क्या नाम है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, और इस पे सॉइल पे एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। आप क्रैकनाओ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रैकनाओ आपका जीवन आसान करेगा मेरे लाल लालियो। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम मृदा की तमाम क्षेत्रों की बात करें तो वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर
प्रदेश के 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि उत्तर प्रदेश में कितने जो है कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ध्यान रखिएगा 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, 9 जो है एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है, 9 है ये, कितनी है 9। और ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आप रिपीट क्वेश्चन में इसको देख सकते हो, तो आपको पूरा समस्त निचोड़ यहाँ पे आज मिलेगा। अगर हम अब डाटा की बात करें, लेटेस्ट डाटा इसमें इंक्लूड करें, तो 2021-22 के जो त्वरित अनुमान आए हैं, जो 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, यानी 22-23 का, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो आर्थिक सर्वे होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक इकोनॉमिक सर्वे में आपको पता हो तो इकोनॉमिक सर्वे जो है पिछले एक साल का विवरण होता है कि पिछले वर्ष में सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की, है ना, तो पिछले वर्ष की उपलब्धियों का डाटा होता है ना, तो पिछले वर्ष की चूंकि उपलब्धियां हैं इसमें, तो बजट कब आया है 2022-23 में, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कब आया है 2022-23 में सर्वे आया है, तो इसमें डाटा कब का होगा 2021-22 का डाटा होगा, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे कि 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो आप समझिएगा सर्वे लेटेस्ट है, क्योंकि 2022-23 सर्वे की हम बात कर रहे हैं, और बजट जो होता है वो अगले साल का विवरण होता है, तो बजट में 2023-24 अगर हम पढ़ते हैं तो आगामी फाइनेंशियल ईयर में सरकार के अनुमान क्या है ये दिया जाता है। तो पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 2021-22 के अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है, तो प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में, यानी ग्रॉस एसडीपी की अगर हम बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, सकल राज्य मूल्य वर्धन में यानी जीएसडीपी में कितना है, तो ये है आपका 28.4, ठीक है, तो ये ग्रॉस एसवी है, ये याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन की यहां बात कर रहा है, डीपी नहीं है, ठीक है, मूल्य वर्धन की बात है, तो ये जीएसवीए होगा, तो जीएसवीए में कितना योगदान है, अगर आप प्रचलित कीमतों पे यानी करंट प्राइस पे कितना है, तो 28.44 है, और स्थाई कीमतों पे यानी बेस प्राइस पे, इंग्लिश मीडियम वालों स्पेशली ध्यान देना, ये है बेस प्राइस, ठीक है, बेस प्राइस और बेस प्राइस पे ये कितना है, तो बेस प्राइस पे है 25.33% योगदान, है ना, और ये कौन सा है, तो ये है करंट प्राइस पे यानी वर्तमान मूल्य पे, तो करंट प्राइस पे कितना जो है योगदान है, कितना शेयर है 28.44% है ना टोटल जीएसवीए में, और 25.33% है अगर बेस प्राइस पे हम बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम चीज को मैंने एक स्लाइड में डाल दिया है, सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान एवं वृद्धि दर, और ये किस रेट पे है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बेस प्राइस पे है, बेस प्राइस पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको बेस प्राइस पे ही ज्यादा पूछा जाता है, तो मैंने बेस प्राइस पे ही दे दिया है। तो अगर आप पिछले समस्त सालों का डाटा देखेंगे, 17-18 में 24.24, 18-19 में 24.12, 19-20 में 22.74, 2020-21 में 24.21, 2021-22 में 25.33 है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बेस प्राइस पे कितना है 25.33 है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। ये मैंने पूरी स्लाइड आपको दिखाने का कष्ट क्यों किया, क्योंकि यूपीएससी में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लगातार जो है जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, लेकिन आप यहां देखोगे कि 2019-20 में कोविड के समय में ये घटा है। तो मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस यूपी में भी ऐसा हुआ है, तो नहीं हुआ है, यूपी में 9.88 बढ़ा, फिर 3.61 हो गया, यानी ज्यादा हुआ, फिर कम हो गया, फिर उससे भी कम हो गया, फिर कम हो गया, और फिर ज्यादा हुआ है, तो लगातार नहीं बढ़ रहा है, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कम ज्यादा हो रहा है, और 21-22 में ये 25.33% है, ये बात आप याद रखेंगे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जीवीए में टोटल योगदान प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश के कुल खाद्यान्न की अगर बात करें, यानी टोटल फूड ग्रेन्स उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आप जानते ही हो सबसे ज्यादा जो है खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, पहली पोजीशन है। दूसरी बात, कृषि निवेश पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला भी देश में उत्तर प्रदेश पहला है, यानी कृषि में जो देय अमाउंट बनता है उस पे उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, ये मैं आपको बजट में भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कृषि गणना की अगर बात करें 2015-16 के अनुसार, क्योंकि कृषि गणना तभी हुई, कृषि सेंसस तभी हुआ एग्रीकल्चर,
और अभी क्वेश्चन यहाँ से उसी पे बनता है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, इस स्लाइड को ध्यान रखिएगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत है ना, कितनी लैंड जो है एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, उसका आकार है 0.73। ये औसत निकाला गया है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज जोत है, यानी पर फार्मर 0.73 हेक्टेयर लैंड है उत्तर प्रदेश में, प्रति किसान 0.73 हेक्टेयर जमीन आती है, और एवरेज जो हम क्रियाशील जोत की बात कर रहे हैं, यानी जो भूमि उपयोग में लाई जा रही है, बंजर भूमि इसमें नहीं है, तो जिस जमीन पे खेती हो रही है उसमें 0.73 हेक्टेयर पर जो है फार्मर एवरेज निकल के आता है, और भारत में ये एवरेज कितना है तो 1.08 है ना, हेक्टेयर में बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में कम है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा क्या है तो बताइएगा, 0.73 हेक्टेयर पर फार्मर इन उत्तर प्रदेश है एग्रीकल्चर लैंड जिसपे खेती की जा रही है। कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा वर्षा तापमान जल एवं मानव संसाधन है, यानी हम जो कृषि जलवायु प्रदेश को वर्गीकरण कर रहे हैं, और हमने देखा कि 9 कृषि जलवायु प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, है ना, 9 कृषि जलवायु प्रदेश, ये बात आप याद रखेंगे, ये मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि ये याद हो जाए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टैटिक एट ए ग्लांस रिपोर्ट आई, एग्रीकल्चर स्टैटिक एट ए ग्लांस, ये कब आई रिपोर्ट, 2022 में, और इसमें जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि, यानी भारत की कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 1,79,993 हेक्टेयर, 1,79,993,000 हेक्टेयर का लगभग 10.34%। ये मैं डिटेल क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपको पता होना चाहिए, आर ओ ए आर ओ में एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा योगदान रहता है, इसलिए मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता कि आपका क्वेश्चन छूटे। तो टोटल जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश में वो है 1,79,993,000 हेक्टेयर, उसमें 18,614 हेक्टेयर अकेले उत्तर प्रदेश के पास है, जो कि 10.34% बनती है, ठीक है, कृषि योग्य जोत भूमि उत्तर प्रदेश में 10.34% है। 2019-20 में प्रदेश में अगर शुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी में, कि नेट बोया गया क्षेत्रफल कितना है, शुद्ध कितने क्षेत्र में बुआई की गई, तो ये ध्यान रखिएगा 2019-20 में, क्योंकि 20-21 का आंकड़ा हमने देखा, तो 19-20 का ही क्वेश्चन बनेगा, तो 19-20 में कितना है, 163.68 लाख हेक्टेयर है, ये बात याद रखिएगा, 163.68 लाख हेक्टेयर। चलिए अब शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यानी जहां पे जो है सिंचाई की गई है ना, तो वो शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 144.16 लाख हेक्टेयर, जबकि सकल सिंचित क्षेत्र है 222.94। तो शुद्ध में आप जानते हो या नेट की बात हो रही है, और सकल की बात हो रही है, तो ये ग्रॉस की बात हो रही है, ठीक है, तो ग्रॉस हमेशा ज्यादा होता है, नेट कम होता है, तो नेट है 144.16 लाख हेक्टेयर, जबकि ग्रॉस है 229.94 लाख हेक्टेयर, ये बात भी आप याद रखेंगे, है ना, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से आकार वाली जोतों का, यानी ये क्वेश्चन भी बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि उत्तर प्रदेश में जो है कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम अगर हम जोत देखें तो उसका प्रतिशत कितना है, 80.18%, यानी सीमांत कृषक की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो सीमांत कृषक हैं 80.18%, ठीक है, कितने हैं सीमांत कृषक, 80.18% है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 68.45 है, यानी राष्ट्रीय औसत से कम है, राष्ट्र में जहां पूरे भारत में जहां जो सीमांत कृषक है 68.45 है, वहीं उत्तर प्रदेश में 80.18 है, तो ये कृषकों की बुरी स्थिति को दिखाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रति जोत क्षेत्र की बात करें तो 0.73 हेक्टेयर है और राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेयर है, यानी प्रति व्यक्ति पे कितना क्षेत्र आ रहा है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा, प्रति व्यक्ति पे फार्मर पे कितना है, तो 0.73 हेक्टेयर है, ये बात रिपीट हुई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये थोड़ा डाटा दिमाग में घुसने में भी समस्या करेगा, इसलिए मैंने इसको पहले रखा है, बाद में सारा डाटा तो मैंने आपको बहुत आसानी से समझा देना है, वहां आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर हम कृषि गणना की बात करें 2015-16 में, तो देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में से
सर्वाधिक संख्या में जूते जो है उत्तर प्रदेश में। तो अगर मिलियन क्रियाशील जूतों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जूते हमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ये और इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया इस चीज को। प्रदेश में 2018-19 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है 9614 यानी 96014 से बढ़ के जो है वर्ष 2021-22 में 1,891,000 मीट्रिक टन हो गया है। कितना है ये मीट्रिक टन में है, ये बात याद रखिएगा, यानी उर्वरकों का प्रयोग जो है बढ़ गया है। और सीधे आपसे पूछ लेगा कितने उर्वरकों का प्रयोग किया गया, तो 10891,000 मीट्रिक टन है ना, 10,891 मीट्रिक टन हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं कुछ फसलों के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ फसल दी हुई है, जैसे अरहर है, मक्का है, चना है ना, और जौ है। इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है उत्पादक और उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े, तो उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं किस राज्य जो है जिले में उत्तर प्रदेश के होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मक्का से। तो मक्का का अगर सर्वाधिक क्षेत्र पूछ ले कि किस क्षेत्र में जो है मक्का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो ये है कन्नौज, यानी सबसे ज्यादा मक्का बोई जाती है कन्नौज में। और सर्वाधिक उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी हरदोई में है मक्का की, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है ना, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हरदोई है मक्का के लिए। और सर्वाधिक उत्पादक जिला है बहराइच। प्रोडक्टिविटी और जो है प्रोडक्शन में आप फर्क समझते हो, ये है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा जिला कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कर रहा है आपका बहराइच, ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी मान लीजिए बहराइच ने बोया 50 जो है हेक्टेयर में मक्का, और इसने 50 हेक्टेयर में ये उत्पादन किया 1000 मीट्रिक टन, कितना, या 1000 क्विंटल, ऐसे समझिए 1000 क्विंटल मक्का उगाई इन्होंने 50 हेक्टेयर में। मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये चीज हमेशा परेशान करेगी। तो बहराइच में 50 हेक्टेयर में 1000 क्विंटल मक्का हुई, लेकिन आपको हरदोई में इन्होंने 40 जो है हेक्टेयर में ही मक्का बोई, और 40 हेक्टेयर में मक्का बोने के बाद इन्होंने जो है 900 क्विंटल मक्का पैदा कर दी, कितना, 900 क्विंटल मक्का पैदा कर दी प्यारे बच्चों। तो अब आप देख पाएंगे कि इसने 50 हेक्टेयर लिया और 1000 क्विंटल मक्का पैदा की है, इन्होंने 40 हेक्टेयर लिया और 900 क्विंटल मक्का पैदा की, यानी इन्होंने 10 हेक्टेयर में जो है काफी ज्यादा मक्का पैदा कर दी। तो ये डिफरेंस किस लेवल पे आया है, ये आया है कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 100 क्विंटल और कर देता तो पहले नंबर पे ये हो जाता प्रोडक्शन के मामले में भी, है ना। लेकिन इसने क्या किया है, 40 हेक्टेयर का प्रयोग किया और मक्का जो है ज्यादा उगा दी। तो प्रोडक्टिविटी तो इसकी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन फिर भी ज्यादा रहेगा किसका, बहराइच का, क्योंकि इसने 1000 क्विंटल मक्का उगाई है। तो ध्यान रखिएगा, आपको और क्लियर करने के लिए इसको 20 कर देता हूं कि 20 हेक्टेयर में जो है इसने 900 क्विंटल मक्का उगा ली, तो इसने कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन किया है, ये कहलाता है प्रोडक्टिविटी। और इसने ज्यादा जगह में ज्यादा प्रोडक्शन किया है दूसरों के कंपैरिजन में, ये कहलाता है प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र हमने देखा कन्नौज में, मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता है हरदोई में, और सर्वाधिक उत्पादक जिला है बहराइच। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो जीवन आपका आसान हो गया होगा। थोड़ा ज्यादा भसड़ हो गई, इसको क्लियर कर देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, दिख नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मक्का से आगे आ जाए, अब आ जाते हैं जौ पे। प्यारे बच्चों, जौ में अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एटा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एटा दिख रहा है। और एटा में आप देखोगे सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला है एटा, और जौ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी है। तो ये यहाँ पे दोनों ही चीजों में, उत्पादक यानी प्रोडक्शन में है ना, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में ही आपका एटा है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी किसकी, जौ की बात हो रही है, बारले की बात हो रही है, किसकी, बारले की, चलिए है ना। और मक्का को कौन कहते हैं अंग्रेजी मीडियम वालों, झांसी पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं झांसी पे। तो झांसी सर्वाधिक चना उत्पादक जिला है, क्या है, चना उत्पादक जिला है, सर्वाधिक चना का उत्पादन यानी प्रोडक्शन झांसी में होता है। उसके बाद हम देखेंगे फतेहपुर, ठीक है। तो देखो झांसी में सर्वाधिक चना उत्पादक जिला है, लेकिन अगर हम गाजीपुर की बात करें तो चना की सर्वाधिक उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी चना की जो है गाजीपुर में, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूछे चना तो झांसी, और सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी पूछे तो गाजीपुर। उसके बाद बचता है आपका फतेहपुर, क्या बचता है,
फतेहपुर, और फतेहपुर आप याद रखिएगा सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला है, यानी अरहर का प्रोडक्शन फतेहपुर में होता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो इटावा में सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी है अरहर की। इतनी बात समझ में आई, एक बार फिर से दोहराता हूं पूरी स्लाइड। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र है कन्नौज, मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई, सर्वाधिक उत्पादक जिला है बहराइच, ठीक है। जौ का सबसे जो है जौ में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादक और उत्पादकता दोनों ही एटा में है जौ के। अगर हम बात करें अरहर की तो फतेहपुर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इटावा में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। बात करें चना की तो सबसे ज्यादा झांसी में प्रोडक्शन हो रहा है, गाजीपुर में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स पे जिनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो आम के, ध्यान रखिएगा आम के उत्पादन में आपसे पूछ लेगा प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर, ये तीन जिले हैं जो आम के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर। गन्ने के उत्पादन में प्रमुख है तराई क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वहां सब जगह जो है गन्ना का उत्पादन किया जाता है। आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंवला के लिए, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये मान लो आउट स्लाइड्स में आज आपको पढ़ा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही, आंवला में प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अमरूद में शाहजहांपुर, फरुखाबाद जिलों में उत्पादन है ना, अमरूद का उत्पादन यानी प्रोडक्शन अमरूद का शाहजहांपुर एवं फरुखाबाद जिलों में। हल्दी इंपॉर्टेंट है, ये हल्दी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है यानी टर्मरिक। अफीम जो है बाराबंकी में होती है, आउट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अफीम बाराबंकी में। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज इलाहाबाद। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, इंपॉर्टेंट है ना, अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग जो है आम के लिए लखनऊ में है प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुरुष उत्पादन केंद्रों में, पूरे भारत में 9 जो है पुष्प उत्पादन केंद्र है, फूल उगाए जाते हैं केंद्रों पे, उसमें से एक लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में एक है जो लखनऊ में, भारत में 9 है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इत्र के लिए पूछता है। प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज तथा झांसी में स्थापित किया गया है। क्या? कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज तथा झांसी में। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कृषि निर्यात जोन आलू की फसल है और आलू का कृषि निर्यात जोन में शामिल है जिले आगरा, हाथरस, फरुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद और फिरोजाबाद। आगरा, हाथरस, फरुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद। आलू में आम और सब्जियों के लिए लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी। आम के लिए मेरे प्यारे बच्चों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर एवं अमरोहा, वेस्टर्न यूपी का पार्ट दिखेगा आपको इसमें। बासमती चावल की बात करें बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद एवं बागपत, इसमें भी आपको वेस्टर्न यूपी दिखाई देगा। इस तरीके से आप मैप पे इसको एलिमिनेट कर सकते हो ताकि वहां आपको समस्या ना हो। अब देख लेते हैं राज्य की कृषि नीति 2013 और यही वर्तमान में चल रही है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा बना तो। तो पूर्व में लागू थी राज्य की कृषि नीति 2005, अभी चल रही है 2013, 2005 की कृषि नीति अब लागू नहीं हो रही। तो 2005 में कृषि नीति चलती थी, उसमें कृषि नीति के क्रियान्वयन के लिए 7 प्रमुख क्षेत्र थे, वो ध्यान रखिएगा प्रसार, सिंचाई, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध एवं कृषि विविधीकरण। इंग्लिश मीडियम वालों, प्रसार मतलब जो है आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हो, सिंचाई आप इरिगेशन को जानते हो, वाटर मैनेजमेंट
सॉइल हेल्थ उर्वरता जो फर्टाइल सॉइल, तो फर्टालिटी, बीज प्रबंधन यानी सीड मैनेजमेंट, विपणन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, शोध यानी रिसर्च और कृषि डाइवर्सिफिकेशन कृषि विविधीकरण, इसे सप्त क्रांति कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? सप्त क्रांति कहा गया इन सात चीजों को, और ये महत्वपूर्ण है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताइए। इसीलिए मैंने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की लक्षित 4% वृद्धि थी। पूछ सकता है 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की कितनी जो है लक्षित थी कृषि, तो 4% वृद्धि थी, जिसके सापेक्ष मात्र 3% की वृद्धि हो पाई, यानी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए मेरे प्यारे बच्चों। वर्तमान में राज्य कृषि नीति 2013 लागू है, जिनकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। तो इसकी एक परिकल्पना है यानी विजन है, और विजन कोई खास नहीं है, ये वही है कि पोषक तत्व सभी तक पहुंचने चाहिए, पर्यावरण जो है सुरक्षित रहना चाहिए आदि आदि। उद्देश्य इसका महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, 2013 की एग्रीकल्चर नीति में 5.1% की वृद्धि जो है प्राप्त करना इसका लक्ष्य है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में 5.1% की वृद्धि प्राप्त हो सके, है ना। फिर उसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट है कृषकों की आय में वृद्धि करना, इसकी पीडीएफ में आप पढ़ लेना, ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वही करूंगा। फिर आए हैं अभी लेटेस्ट, ये जो है सर्वे का पार्ट है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण है ये, तो सर्वे में आया खाद्यान्न उत्पादन चतुर्थ अग्रिम अनुमान, यानी फूड प्रोडक्शन के फोर्थ क्वार्टर के जो है अनुमान आ गए हैं, और उसके आधार पे उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 17.77% भाग, यानी कुल जो है 56.11 मिलियन टन के उत्पादित किया जाता है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में राज्यों में प्रथम स्थान पर है, ये हम देख चुके हैं पहले। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना तथा आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर, ध्यान रखिएगा, गेहूं गन्ना और आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, दुग्ध उत्पादन में अब उत्तर प्रदेश पहले पे नहीं है, दूसरे पे है। दुग्ध में यूपी अब दूसरे पे है, तो पहले पे कौन है? पहले पे राजस्थान है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देख लीजिए। दूध उत्पादन में अब उत्तर प्रदेश दूसरे पे चला गया है, गेहूं गन्ना आलू के उत्पादन में देश प्रथम स्थान पे है, जबकि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पे आता है, अब दूध में भी है, ठीक है। प्रयोगशाला से खेतों तक, ये कार्यक्रम था मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। अब इसमें देख लेते हैं रबी की फसल कौन कौन सा, ये आ जाता है क्वेश्चन कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही और आलू आदि फसलें जो है उगाई जाती हैं। वहीं अगर खरीफ की फसलों की बात करोगे प्यारे बच्चे, तो खरीफ की फसलों में चावल, जिसको धान भी कहते हैं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और उसके साथ साथ कुछ दलहन की फसलें भी खरीफ में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जायद की फसलें, तो जायद की फसलों में आता है तंबाकू, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, काशीफल और प्याज। तो ये कब? गर्मियों के जो है जो सीजन होता है मार्च के बाद का, उसमें जो है ये सब जायद की फसलें बोई जाती हैं। अब आप देख लेते हैं कुछ कुछ चीजों का प्रोडक्शन, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गेहूं किसकी है? आपकी रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कब से कब बोया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं का उत्पादन जो है 33.95 मिलियन टन हुआ है, जो अखिल भारत के गेहूं उत्पादन का 31.77% है। ये 21-22 का ही डेटा है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है। तो गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? 33.95 मिलियन टन। चावल का बात करें तो चावल का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, और ये कितना हुआ है? तो 15.27 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ है, और ये पूरे भारत का 11.72% है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण नगदी फसल है गन्ना, ये कौन सी फसल है? तो नगदी फसल है, ये सब आप जानते हो, ये जो है कैश क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? कैश क्रॉप है, इंग्लिश मीडियम वालों आप जानते होंगे। तो 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है? 177.43 मिलियन टन हुआ है। कितना? 177.43 मिलियन टन, जो देश के कुल गन्ने उत्पादन का 41.09% है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तराई है और दूसरा गंगा यमुना का दोआब है। गंगा यमुना का दोआब है। तराई क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों की अगर बात करूं तो रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया एवं गोरखपुर है। दोआब क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो है मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मुरादाबाद यानी वेस्टर्न यूपी आ जाएगा। हापुड़ शामली भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है, ध्यान रखिएगा मेरठ जो है जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है और गन्ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, ये आप जानते हो। बाजरा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती मुख्यतः वहां की जाती है जहां 40 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती हो। रेनफॉल कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर है ना। बाजरा जो है मई से जुलाई माह के मध्य बोया जाता है और सितंबर से दिसंबर माह के मध्य काटा जाता है। बाजरा की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली और कानपुर मंडलों में होती है, ध्यान रखना। इसके प्रमुख उत्पादक जिले की अगर बात करो बाजरा की तो आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस और औरैया आदि हैं। मैंने गन्ना, चावल और इन जो है चावल और गेहूं का उत्पादक जिले नहीं बताए, उसका समय नहीं बताया है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि किस जो है सीजन में गन्ना जो है गेहूं और चावल बोए जाते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं एक अलग से क्रॉप पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्रॉप की जो है जीन्से है ना, जीन्सों से क्वेश्चन आते हैं ना, उनके टाइप ऑफ फसल नाम पूछता है कौन किसका है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वहां भी डिटेल में करेंगे इसको। चलिए मक्का पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः मक्का मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फरुखाबाद, जौनपुर, एटा, कानपुर नगर और गोंडा। जौ की बात कर लेते हैं तो अभी हमने देखा एटा जो है जौ उत्पादन और उसमें दोनों में ही आगे है। आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा, महोबा, बुलंदशहर, जालौन में होती है जौ की खेती। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्क एवं जलोढ़ मृदा में की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में जौ को गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है, ध्यान रखिएगा गरीब लोगों को जौ का जो है खाद्यान्न कहा जाता है। हमने बहुत रोटियां खाई हैं बचपन में जौ की। चना, चने की कृषि उत्तर प्रदेश के हल्की दोमट और शुष्क मिट्टी वाले भागों में की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन कौन से, तो हमने झांसी में भी देखा ही था, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर नगर, प्रयागराज आदि और गाजीपुर, और ध्यान रखिएगा गाजीपुर भी इसमें एक है। चना की सर्वाधिक पैदावार बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक जिले अरहर की बात करें तो अरहर में जो है फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर है। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः अरहर के साथ ज्वार और बाजरा की फसलें भी उगाई जाती हैं। मूंगफली ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मूंगफली की कृषि मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। मूंगफली की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में खोद ली जाती है। हम मूंगफली की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली मुख्यतः सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फरुखाबाद, बसहानपुर जिलों में अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। ये कौन सा? सहारनपुर होगा, है ना, सहारनपुर जिलों में। चलिए लाही और सरसों देख लेते हैं। सरसों की फसल मुख्यतः रबी ऋतु की फसल है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लाही सरसों के उत्पादक जिले हैं आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर देहात, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, औरैया एवं हमीरपुर। कपास की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कपास उत्तर प्रदेश के नजरिए से, तो उत्तर प्रदेश के कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कपास उत्पादक जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़ और सहारनपुर हैं। उत्तर प्रदेश में कपास की मुख्यतः यूपी देसी, ये जीन्स याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी जीन्स के नाम है, तो यूपी देसी है, बंगाल की कपास है, धौलेटा कपास है, पंजाब और अमेरिकन कपास है, ठीक है। ये कपास के टाइप है, कौन कौन सी खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेटा, पंजाब और अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में
कपास की फसल की बुआई कब की जाती है? अमल में की जाती है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती की बधाई, अतल मधी है ना, मूंग, बरसीम, तोरिया एवं फ्लोवर की फसलें भी बोई जाती हैं। अब आ जाते हैं जूट पे। जूट पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र हैं सरयू और घाघरा के दोआब। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः देसी किस्म की जूट ही पैदा की जाती है, देसी किस्म की जूट। अलसी का ध्यान रखना है, अलसी का उत्पादन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के महोबा, जालौन, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों में होता है अलसी का उत्पादन। तंबाकू की अगर बात करें तो तंबाकू उत्तर प्रदेश के प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले हैं एटा, फरुखाबाद, कासगंज एवं गोंडा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं फल उत्पादन में, यानी फूड जो है फ्रूट प्रोडक्शन में। किसमें? फ्रूट प्रोडक्शन में मेरे प्यारे बच्चों। तो फ्रूट में उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मुख्यतः आम, अमरूद, पपीता, अंगूर, बेर, बेल, केला, अनानास और नींबू के फलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट आदि फसलों की खेती की जाती है। तो मैदानी भागों में आम, अमरूद, पपीता, अंगूर, बेल जैसी फसलें हो रही हैं। तराई क्षेत्र में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुरानी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, चेरी हो रहा है। केला की बात करते हैं सबसे पहले। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में केले की उत्पादित की जाने वाली प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? भोग है, मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, ठीक है, तथा दूध सागर। आपसे पूछ लेगा ये किसकी जो है फसलें हैं, किसकी किस्में हैं, तो केले की है, नाम याद रखिएगा। आम की बात कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के प्रमुख आम उत्पादक जिले लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर और रायबरेली हैं। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। लंगड़ा आम ये महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से वाराणसी में उत्पादित होता है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कौन से जो है दशहरी आम के उत्पादन में, जो मुख्य रूप से मलिहाबाद क्षेत्र से यानी लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है दशहरी आम। रटौल आम, कौन सा आम? रटौल आम का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बागपत जिले में होता है, रटौल। अमरूद के बारे में देख लो मेरे प्यारे बच्चों, अमरूद का उत्पादन मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या जिलों में किया जाता है। इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, सरदार भी कहते हैं इसको, ललित, सूरखा आदि जो है अमरूद की प्रमुख फसलें हैं, किस्में हैं। माल्टा ये भी अमरूद है, का उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी एवं सहारनपुर जिलों में किया जाता है। माल्टा ध्यान रखिएगा, माल्टा क्या है? एक ये भी फ्रूट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक अगर जिले की बात करें तो सहारनपुर एवं मेरठ है। वहीं संतरे की बात करो तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरे का उत्पादन किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, एकमात्र जिला है सहारनपुर जहां में संतरे का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी, एमदर तथा लड्डू किस्मों का उत्पादन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर रहा, मैं किस्मों पे एक वीडियो अलग बनाऊंगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि क्रैक नाउ भी थोड़ा बढ़ सके आप लोगों के सहयोग से। आपने यहां तक देख ही लिया है तो अगली वीडियो भी देख लेना, जीवन आसान हो जाएगा। उसमें मैं कुछ फैक्ट्स दूंगा जो आते हैं, जो रिपीट रहेंगे। बाकी क्रैक नाउ को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो हमसे, आरओएआरओ में धमाल मचा देंगे, यूपीपीसीएस में जो है धुआं धुआं कर देंगे जीवन को। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे, जय हिंद।